हेलो फैमिली, कैसे हो? स्वागत है पोकेचुए के एक नए वीडियो में। तो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है हाउ टू लेवल अप पोकेमोन इन पोकेमोन गो। तो गाइस देखो, जब भी कोई रेड्स आता है, रेड्स आने के टाइम में मैं आपको बताता हूँ लेवल 20 लेवल 25 पोकेमोन। एंड जब आप वो पोकेमोन को मैक्स अपग्रेड करोगे, मतलब लेवल 50 तक अपग्रेड करोगे, तब जाके आपको एक अलग सीपी मिलता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मेरे व्यूअर्स है एंड सब्सक्राइबर्स है जो बिल्कुल नए हैं पोकेमोन गो में, एंड बहुत लोगों को नहीं पता कि ये जो पोकेमोन्स है इसको पावर अप हम कैसे कर सकते हैं, मतलब लेवल अप कैसे कर सकते। एंड अगर हम कोई भी पोकेमोन को लेवल अप करें तो लेवल अप करने का फायदा क्या है? देखो, लेवल अप हम लोग करेंगे उसका कुछ फायदा भी तो होना चाहिए ना। इसके साथ साथ लेवल अप करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, टोटल मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो में, ठीक है? तो वीडियो देखते रहो, चैनल में अगर नए हो तो मेरे भाई चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि गाइस आपको यहाँ पर पोकेमोन गो रिलेटेड ढेर सारा इंफॉर्मेशन मिलता जाएगा, ठीक है? एंड वीडियो में लाइक जरूर कर देना। आज का वीडियो का लाइक है मेरे 200 लाइक्स जो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर लो। एंड टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, अगर आप टेलीग्राम यूज करते हो तो टेलीग्राम में जाके ज्वाइन जरूर हो जाना, ठीक है? तो गाइस, जैसे आप लोग अभी साइड में स्क्रीन भी देख पाओगे एंड मैं आपको शो भी करने वाला हूं कि आपको लेवल अप कैसे करना है, ठीक है? तो गाइस देखो, लेवल अप करने से पहले एक चीज मैं आपको बताता हूं, लेवल अप करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो है लेवल अप हम लोग क्यों करें, ठीक है? तो गाइस क्या होता है, देखो हर एक पोकेमोन का एक लेवल होता है। जैसे लाइक अगर आप नॉर्मल रेड करोगे किसी भी पोकेमोन का, जैसे अभी जैसे गेनिसेक्ट पोकेमोन का रेड चल रहा है, तो अगर आप वेदर बूस्टेड रेड नहीं करोगे तो वहां पर आपको 20 लेवल गेनिसेक्ट मिलेगा। 100% आपको जो गेनिसेक्ट मिलने वाला है उसका लेवल होगा 20। एंड जब आप उसको मतलब वेदर बूस्टेड कैच करोगे तो वहां पर आपको 25 लेवल गेनिसेक्ट मिलेगा। एंड अभी देखो 25 लेवल से आपको उसको लेके जाना है 50 लेवल, जो मैक्स लेवल होता है कोई भी पोकेमोन का। तो 50 लेवल में जब आप किसी भी पोकेमोन को लेके जाओगे तो उसका जो फायदा क्या है मैं आपको बताता हूं। जब आप 50 लेवल तक लेके जाओगे तो उसका जो एचपी है वो बहुत हद तक इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करोगे किसी भी पोकेमोन का, जब हम आईवी चेक करते हैं तो आईवी में भी एक जो ऑप्शन है स्टार में, उसमें एक जो पॉइंट आप देख पाओगे वो है एचपी का पॉइंट। तो जब आप लेवल अप करोगे एचपी हाई हो जाएगा तो बेसिकली उसका आईवी भी इंक्रीज हो जाएगा। एंड जब भी हम लोग किसी भी पोकेमोन का पावर अप या लेवल अप करते हैं तो साथ साथ उसका जो सीपी है वो भी ढेर सारा, मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जो अभी मैं आपको शो करने वाला हूं, ठीक है? तो गाइस जैसे आप लोग देख सकते हो यहां पर जो आर्केनाइन पोकेमोन है इसको अभी मैं हाइपर पोशन देने वाला हूं। एंड ये आर्केनाइन पोकेमोन को मैं अभी अपग्रेड मतलब लेवल अप करने वाला हूं। तो सिंपली देखो, लेवल अप करने के लिए जो दो चीज हमें इंपॉर्टेंट है वो है एक देखो कैंडी, मतलब जो पोकेमोन है उसका कैंडी चाहिए, एंड साथ में हमें स्टारडस्ट भी चाहिए। और गाइस देखो, यहां पर जो आप पावर अप ऑप्शन देख रहे हो इससे हम लोग लेवल अप कर सकते हैं। तो कैसे करना है अभी मैं आपको शो करता हूं। देखो, तो मेरे पास कैंडी भी है एंड मेरे पास वो भी स्टारडस्ट भी है। तो सिंपली आपको देखो यहां पर पावर अप करना है, ठीक है? ये आप मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो। एंड जब आप पावर अप करोगे यहां पर देखो येलो करके एक जो प्लेस है वो इंक्रीज हो रहा है, जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, ठीक है? जितना आप देखो, मैं जितना इसको प्लस करूंगा वो येलो देखो इंक्रीज हो रहा है। ये है लेवल, ठीक है? जब ये टोटल बिल्कुल नीचे आ जाएगा मतलब 50 लेवल हो चुका है ये पोकेमोन का, ठीक है? तो गाइस देखो, अभी फिलहाल के लिए मेरे पास इतना ही कैंडी है तो मैं इतना लेवल अप कर सकता हूं आर के 9 को। तो गाइस मैं अभी एक सेकेंड आईडी में जाऊंगा जहां पर मेरे पास ढेर सारा कैंडीज एंड स्टारडस्ट है, तो वहां पर मैं जाके आप लोगों को शो करता हूं एक पोकेमोन को। मैं अब भी आपके सामने 50 लेवल करने वाला हूं एंड आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है? तो गाइस देख सकते हो मैं अभी सेकेंड आईडी में आ चुका हूं एंड गाइस यहां पर मैं एक पोकेमोन को करने वाला हूं 50 लेवल। तो गाइस अभी हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बैट पावर में देखो, मतलब सीपी में देखो, ये जो गैराडोस आप देख रहे हो 3339, इसको मैं अभी लेवल अप करने वाला हूं, ठीक है? तो लेवल अप करने से पहले मैं एक बार आईवी चेक कर लेता हूं। देखो आईवी बिल्कुल खतरनाक, मतलब 95 से 97 आईवी तक ये गैराडोस है, ठीक है? तो गाइस ये मेगा में भी इवॉल्व हो चुका है ऑलरेडी। तो अभी मैं जो करने वाला हूं इसको फिर से मैं हाइपर पोशन से इसका जो देखो एचपी है उसको इंक्रीज करने वाला हूं, क्योंकि ये बैटल में था तो थोड़ा बहुत डिफिट हो चुका है पोकेमोन। तो अभी गाइस मैं आपको शो करता हूं। देखो यहां पर जाने के बाद मैं गैराडोस में सिंपली जाऊंगा, जाने के बाद देखो यहां पर पावर अप का ऑप्शन है एंड देखो कितना सारा ढेर सारा मेरे पास एक्सेल कैंडी एंड नॉर्मल कैंडी भी है। तो गाइस एक चीज मैं आपको बताता हूं, आप लोग मुझे पूछते हो जो एक्सेल कैंडी उसका काम क्या होता है। जब आप किसी भी पोकेमोन को मैक्स मतलब 50 लेवल तक अपग्रेड करोगे तब देखो यहां पर हमें सिर्फ एक्सेल कैंडी लगता है, यहां पर आप नॉर्मल कैंडी से मतलब एवॉर्ड नहीं, पावर अप नहीं कर पाओगे। तो सिंपली आपको वहां पर यूज करना है। देखो
देखो ऑलमोस्ट हो चुका है, 49 लेवल तक जा चुका है, अभी गाइस सिर्फ 1 लेवल बाकी है, अभी देखो 50 लेवल हो जाएगा एंड मुझे यहाँ पर एक्सेल कैंडी लगेगा, ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल कैंडी से काम नहीं होगा। तो गाइस 30 लेवल मतलब आपका इन गेम लेवल जब अपग्रेड हो जाएगा 30 लेवल, उसके बाद से आपको एक्सेल कैंडी मिलेगा। तो एक्सेल कैंडी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी पोकेमोन को मतलब मैक्स लेवल तक अपग्रेड करना चाहते हो। तो 50 लेवल अपग्रेड हो चुका है मेरा, जो गैरेडोस है आप लोगों ने देख लिया। तो ऐसे करके आपका जो फेवरेट पोकेमोन है उसको भी आप मैक्स लेवल तक अपग्रेड कर सकते हो। एंड अपग्रेड करने के बाद गाइज मैं आपको बता देता हूं, अगर आप उसको GBL में बैटल करवाओगे तो वो बहुत ही एक खतरनाक पोकेमॉन होने वाला है। तो आई होप कि गाइज आप लोगों को पता चल चुका है कैसे आपको पोकेमॉन को 50 लेवल तक लेके जाना है। तो गाइज वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हो। चलो गाइज आज के लिए इतना ही था, वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।